है दोस्तों, क्या हाल चाल है? बढ़िया, मज़े में। तो मैं आज आप लोगों को वो कहानी बताने जा रहा हूँ जिसमें मेरे ये प्यारे सुनहरे बाल चले गए। तो हुआ यूँ है कि असल में मुझे मेरे बाल बहुत ही ज्यादा पसंद है। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं कि मैंने अपने बाल को क्यों ट्रिम कर लिया, सेव कर लिया। ठीक है, बात दरअसल ये है, मुझे ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है अपने बाल। कोई अगर मुझे, जैसे पहले कोई बोलता था कि अपना सर मुड़वा लो, ठीक है, तो मैं ना काफ़ी गुस्से में आ जाता था कि भाई यार सर मतलब बाल के बारे में क्यों बात कर रहे हो, मुझे बहुत पसंद है, मुझे नहीं अपने बाल हटाने हैं, मुझे नहीं काटने अपने बाल, मुझे रखने। तो मैंने मतलब सोचा कि आखिर इतना मतलब लगाव क्यों है, और इस लगाव को मतलब अगर कोई मैं अपने बाल को काट देता हूँ तो आखिर क्या चला जाएगा, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। तो वो एक तरह का अट्रैक्शन है कह सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा है वो। और उसकी वजह क्या है, कुछ खास नहीं, मतलब मुझे अच्छा लगता है, फ़ोटोज़ अच्छे आते हैं यार बालों में, ठीक है, खूबसूरत लगता है इंसान, ये सारी चीज़ें हैं जिसका मतलब कोई खास फ़ायदा है नहीं। क्या बोला? जरा फिर से दोहराना। और अगर फ़ायदा हो भी, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा बाल ना रखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये हट जाते हैं, ठीक है, मान लो आप इसको काट ले रहे हो, ठीक है, या ट्रिम कर ले रहे हो, ठीक है, तो आखिर कितनी बड़ी चीज़ आपसे हट जा रही है या दूर चली जा रही है, वो कंट्रोल नहीं होता। मतलब वो कह सकते हो एक तरह का अट्रैक्शन है। मैं अपने बालों के बिना रह नहीं सकता, मैं कभी फ़ोटोज़ नहीं खिंचवाता। मैं मान लो कभी किसी टाइम मतलब ऐसा हुआ कि मैंने अपने बाल ट्रिम किए, ठीक है, लेकिन उस टाइम पर ना मैं फ़ोटोज़ नहीं खिंचवाता था, यार पता नहीं कैसे फ़ोटो आएगी, अच्छी फ़ोटो नहीं आएगी, ये वो, ठीक है। तो मैं उस चीज़ से दूर होना चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी चीज़ के पीछे कुछ इस तरीके से पागल रहूँ जिसका कोई आपके लाइफ पर कोई ऐसा असर ना डाले कि क्या कह सकते हो उसको, उसको क्या कह सकते हैं यार, कोई फायदेमंद चीज़ कह सकते हो। क्या फ़ायदा है इसका, इसका क्या फ़ायदा? आप खूबसूरत दिखते हो, फोटोज अच्छी आती हैं, क्या करोगे उसका, करोगे क्या उसका? ठीक है, तो इस अट्रैक्शन को दूर करने के लिए मैं इसी को दूर करने वाला हूँ, ताकि ये जो अट्रैक्शन है ये मतलब मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं है कह सकते हो, खुद पर कंट्रोल नहीं है, तो उस कंट्रोल को बरकरार रखने के लिए, बरकरार का है ही नहीं कंट्रोल, तो बरकरार का रखोगे? तो उस कंट्रोल को पाने के लिए मैं जो इसको हटाने वाला हूँ, इसको शेव करने वाला हूँ, तुम बहुत आगे जाओगे। पहले तो ट्रिम करूंगा, फिर बाद में शेव करूंगा। मैं असल में अपने आप पर कंट्रोल पाना चाहता हूँ, ताकि मैं किसी भी चीज की तरफ इस तरीके से अट्रैक्ट ना हो जाऊं कि मुझे कुछ और चीज ना दिखाई दे। सपोज दैट बालों की बात करें तो ये सिर्फ एक कह सकते हो एक जरिया है जिससे मैं सीखूंगा कंट्रोल अपने आप पर, अपने दिमाग पर कंट्रोल, कि मैं किसी चीज की तरफ इस तरह से अट्रैक्ट ना हो जाऊं कि कोई प्रॉफिट भी ना हो उसमें और फिर भी मैं अट्रैक्ट होते जा रहा हूँ। कोई रीज़न होना चाहिए, कोई लॉजिकल सा रीज़न होना चाहिए उसकी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए, है ना? तो यही है, मतलब इसका होना, इसके होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसके ना होने से क्यों प्रॉब्लम है? डायलॉग अच्छा मान लेते हो। तो जिसको समझ में आई हो ये बात तो बहुत अच्छी है, और जिसको नहीं आई है तो आ जाएगी, फिर से थोड़ा सा वीडियो को देख लीजिए ठीक से, आपको समझ में आ जाएगी। तो अब हम इसको हटाने जा रहे हैं। और हाँ, एक और चीज़, मैं ना इसको एक बार नहीं करने वाला ट्रिम, ट्रिम करूँगा फिर शेव करूँगा, और इसको लगातार करूँगा कम से कम 1 साल, कम से कम। सीधा सीधा आंसर ये है कि मैं खुद पर कंट्रोल पाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। Many, many minutes later. पेश है आपके सामने। कैसा लग रहा हूँ? मत पूछो। चलो अच्छी बात है, पहले भी अच्छा नहीं लग रहा था, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बारिश का थोड़ा सा मौसम, मौसम नहीं होता यार, मौसम होता है, बारिश का थोड़ा सा मौसम हो गया।